वैसे सलाम तुम्हें वालेकुम कौन फिर, है? ठीक कैसे हो, क्या हाल चाल है है, से जरा लगा आप सुनो आप। यार? मैंने कहा पहले तो आतिफ भाई थे ना, तो वो एडमिन थे, तो वही इंटरव्यू वगैरह कर रहे थे। तो इंटरव्यू क्या है यार, चलो मैंने कहा फ्रेंडली बात कर ली जाए, तो मैं ही आज खुद ही आ गया हूँ। तो पेज बनाने का मकसद तो यही था कि यार बैडमिंटन को प्रमोट किया जाए, तो इनशाला आगे भी करेंगे। तो काफी यार मैचेस हुए हैं, मैंने कहा चलें इसका बैडमिंटन का ना कॉमनवेल्थ गेम्स के ओवरव्यू जो कम, कहते हैं, हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स का जो हुआ है ना, मैचेस हुए हैं, मैंने कहा चलो यार उसका थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, आपने देखा है कैसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, मतलब रियल चीजों का तो पता ही नहीं, मतलब फैक्ट, मतलब प्लेयर इतनी मुश्किल से वहां तक जाते हैं, तो वो किसी का दिल तो नहीं करता कि वो यार वहां जाए और मतलब उन लोगों से किसी से भी हारे, तो वो तो अपना पूरा 100% देते हैं। तो आप, मैं तो, आप तो मतलब गए हुए हो, मतलब काफी माशाल्लाह अच्छे मैचेस आपने टॉप लेवल पे खेले हैं, जैसे आप इंडिया को भी हरा के आए, उसके बाद आप काफी टूर है, तो थोड़ा सा आप बता दो मतलब, ताकि लोगों तक तो जाए ना बातें, मतलब इसका मतलब मेरा पेज आप ये बैडमिंटन हाइलाइट्स, इसके 1 लाख से ज्यादा मतलब इसके फॉलोअर्स हैं, तो कोई ना कोई तो मतलब अथॉरिटी होगी जिसके तक हमारा ये, अल्लाह करे कि वो इंटरव्यू ये सुने देखो और ये मतलब हमारे लिए बेहतरी हो। तो आप मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार, देखो सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जी जो हमारी टीम पाकिस्तान की गई है कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, जिसमें सही नहीं है मुराद नहीं है, लड़कियों में मामूल उनके ज्यादा 4 लोग गए, ठीक है। और ये अभी मेरे ख्याल से सबको पाकिस्तान में पता होगा कि वो किस तरह गए हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो टीम जा ही नहीं चली, दूसरी बात कि उन्होंने स्पॉन्सर्स वगैरह क्रिएट करिए हमारे बैडमिंटन फेडरेशन के, जो वो प्रेसिडेंट है वाजिद भाई, उन्होंने स्पॉन्सर्स क्रिएट किए और उन्होंने प्लेयर्स को बाहर भेजा। अब रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, वो जो कहते हैं प्लेयर्स फेसबुक पे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये जी मुराद सिंगल जा रहा है 7 पे 8 पे, माहूर आ रही इंडियंस के खिलाफ, ठीक है। अभी मैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलियन की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से देखो, मैंने भी बाई टूर्स किए हैं, मैं भी शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इज्जत दिया, साउथ एशियन चैंपियन हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये बातें करना बड़ा आसान है, ठीक है। आप जब किसी वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ खेल रहे होते हो ना, तो आप का जो आप पे जो प्रेशर होता है ना, वो आप नहीं हैंडल कर सकते, आम प्लेयर हैंडल नहीं कर सकता जो पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमें ना टूर्स नहीं मिलते, हमें सही मतलब 5 साल बाद मुराद खेला है, सही कहा, 5 साल पहले खेला था, 5 साल बाद खेला था। और उसने इंटरव्यू मैंने उसका देखा, उसने ये कहा था जी कि मैं जिस शटल से श्रीकांत से खेला था 4 से 5 साल पहले, मैं आज उस शटल से 5 साल बाद खेल रहा हूँ, मतलब कि मैं उस शटल से खेलता ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान में मुझे आप बताओ यासर कि कोई ऐसा हॉल जिसमें 15 से 20 कोर्ट हो, सही सही कोई भी नहीं पाकिस्तान आया यार। नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि मुझे बताओ, पाकिस्तान में लीनिंग शटल कॉक यूज होती है, विक्टर शटल कॉक यूज होती नहीं होती यूज, है, प्लेयर्स को होश ही नहीं आती वहां पे जाके, क्योंकि इतना स्लो हॉल, उसका जो एटमोसफेयर होता है हॉल का, वो आप नहीं अंदाजा लगा सकते। इधर पाकिस्तान में मैं कहता हूँ 100% डिफरेंट गेम होती है बाहर की निस्बत। अब तुम सही आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर से खेल रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे पाकिस्तान से, क्या वो करे उसको जीते, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे पास फैसिलिटीज क्या है। मैं बड़ा खुश हूँ जब ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाफिज के जीते हैं सिंगल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिंगल जीते हैं, माहौर सिंगल जीती है, बड़ी अच्छी वर्ल्ड रैंक प्लेयर थी उसको जीती है। तो ये जीतना भी हमारे लिए, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए इतनी खुशखबरी है, इतनी अच्छी खुशखबरी है कि हम नहीं बता सकते। क्रिटिसाइज जो प्लेयर्स करते हैं ना, जो लोग प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं जी, मुराद इतने पे हारा, पाकिस्तान के चैंपियन है बाहर का, देखो आप तब क्रिटिसाइज करो जब आप उसको बाहर बेचते हो, साल के आप उसको 5 से 6 टूर्स दे रहे हो, पैसा उस पर खर्च कर रहे हो, फिर आप उसको क्रिटिसाइज करो। वो बेचारा देखो बिल्कुल 5 साल बाद उसको टूर मिला बाहर का, पांच यार, साल से 4 साल से मुराद पाकिस्तान नंबर वन है, जहां तक मुझे जहां तक ख्याल है 4 या 3 साल से वो नंबर वन है। उसको मुझे बताओ उसको क्या फायदा 3 साल से यार नंबर बिल्कुल वन। बात तो यही है ना कि वो मतलब पहले कह रहे हैं कि वो कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम ही नहीं जा रही,
तो वो नहीं वैसे ही जानते बंदा हैं। मेंटली डाउन हो जाता है। उन्होंने कैंप भी लगाया, उसके बाद ट्रायल्स में सिलेक्ट हुए हैं, तो अब वो देखो उनको मेंटली डाउन कर दिया कि वो जा ही नहीं रहे। तो वो बंदा क्या परफॉर्मेंस है, अब वो गए हैं तो उनपे वैसे ही बड़ा बर्डन है और प्रेशर है। बर्डन है, और आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया से, मेरी नजरों में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से फैसिलिटीज के हिसाब से, अगर ऑस्ट्रेलिया को 100% फैसिलिटीज मिली है तो पाकिस्तान को 20% फैसिलिटीज मिली है, पहली बात। दूसरी बात, इतना अच्छा फाइट कर लिया उन्होंने, वो सिर्फ एक कमी से हारे हैं, वो डबल्स का उनके पास पेयर नहीं था पाकिस्तान वालों के पास, जिसकी वजह से वो हारे। ऑस्ट्रेलिया में देखो डबल्स का अलग पेयर उन्होंने भेजा, मिक्स का अलग भेजा, सिंगल्स के प्लेयर्स अलग भेजे, और उन्होंने दो टीमें भेजी, मतलब वो टीम ए खिलाते हैं फिर अगले मैच में टीम बी खिलाते हैं, ठीक है। जिसको मिक्स देंगे उसको अगले मैच में मिक्स नहीं देंगे, जिसको सिंगल्स पिछले मैच में दी होगी उसको अगले मैच में नहीं देंगे। हमारे पास प्लेयर्स दो हैं, मुझे बताओ मुराद हाफिज इरफान जो है पिछले 5 सालों में मिक्स इवेंट भी खेला है, हाँ नहीं, और पिछली बाहर कॉमनवेल्थ जाके गेम्स में भी यही टीम गई थी, सिर्फ यही टीम गई थी। लेडीज का हाँ फर्क लड़कियों में था, ड्रॉप, वो हाँ। आप ये देखो गजाला मुराद और की हाफिज जगह मिक्स डबल्स अनुशा। खेलते ही नहीं है यार, 5 साल से मिक्स डबल मुराद और हाफिज नहीं खेल रहे, और वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके वो मिक्स डबल्स बेचारे खेल रहे हैं, उनमें इतनी जान ही नहीं है कि वो इतने मैचेस खेले, और ऊपर से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जी कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर को बीट करें, और उन्होंने किया भी है बीट। देखो श्रीलंकन के खिलाफ माहौर अच्छा खेली उसको जीत गई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ माहौर अच्छा खेली हाफिज अच्छा खेला, और हम क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं मुझे आप ये बताओ। अब हम कॉमनवेल्थ में अगर ये लोग कहते हैं आप गोल्ड मेडल लेके आओ, उसके लिए यासिर हमारे पास कम से कम साल के 20 से 25 टूर्स होने चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ। यार मैं अभी उस फोटो देखी है मैंने इंस्टाग्राम पे ना, वो इंडिया की फेडरेशन वालों ने लगाई है, तो उनकी जो टीम गई है ना, इंडियन जो टीम जिसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लोग कमेंट्स में कर रहे हैं कि ये तो फारिक है, इनको मतलब पाकिस्तान में खेलना चाहिए, पाकिस्तान की चैंपियन, उनकी अब इंडियन की जो टीम गई है, 12 जो प्लेयर है ना, 12 प्लेयर है सिर्फ, जिसमें डबल्स के अलहदा है और ठीक है सिंगल्स के अलहदा, मिक्स डबल्स के अलहदा, वुमेन्स डबल्स के अलहदा, और एक भाई चीज चलो उनके ये मेंस प्लेयर डबल्स के दो पेयर मतलब गए हैं, एक उनके मेंस डबल्स के प्रॉपर जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, वो चले 12 बंदे गए हैं उनके, और चेक करो यार जो वुमेन्स का है ना मतलब टीम है उसका अलहदा कोच है, और जो सिंगल्स का है उसका अलहदा, वुमेन सिंगल्स का अलहदा और डबल्स का भाई। ही आप ये अलहदा, देखो जो उनका डबल्स का कोच है वो ऑल वर्ल्ड वो तो चैंपियन वर्ल्ड भी है और ऑल चैंपियन है इंडियन चैंपियन वो भी है। डेनमार्क। सही हाँ सही जी, तो वो देखो वो उनका डबल्स का कोच है, मेंस डबल्स का कोच, और हमारा जो कोच क्या है वो मतलब कि नोट आउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिंगल्स डबल्स और मिक्स तीनों का सेम है। मैं बस ये यही कहता हूँ बात है कि ना। यार ये पाकिस्तान ना, मैं सिर्फ इसकी एक चीज बोलूंगा कि ये लोगों को भी एक बात बोलूंगा कि देखो जब तक हमें मुझे इंक्लूड करके, जब तक हमें फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी प्रॉपर, हम बाहर नहीं परफॉर्म कर सकते, हमसे आप कुछ उम्मीद ना रखें। पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि हमसे कुछ अच्छी उम्मीद ना रखें जब तक हमें यार फैसिलिटीज नहीं मैं मिलेंगी। पता नहीं कोई स्टोरी बता रहा था, शायद तेरे से स्टोरी सुनी थी मैंने, कि जब आप माशाल्लाह उसको जीत के आए, साउथ एशियन इंडिया को जीत के आए, तो जब आप मतलब एयरपोर्ट पे आए तो कोई बंदा ही नहीं, सिवाय आपके भाई और आपके मतलब कोई रिश्तेदार थे, कोई बंदा ही नहीं आया, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं मैं आया तो हूँ ये तो सोच रहा था, मुझे कोई मैंने कहा फूल मैं तो फेंकेगा, एयरपोर्ट कोई ढोल शोल जाऊंगा, आएंगे, कोई हाँ ढोल मैंने शोल यही सोचा आएगा, था, मैंने कहा मैं एयरपोर्ट जाऊंगा वो तो लोग मेरा ऐसा मुझे इस्तकबाल करेंगे, फूल डालेंगे, 5-5 हजार की दफ्तरी उड़ाएंगे वो तो मैं एयरपोर्ट आया हूँ तो मुझे क्यों बंदा नहीं पहचानने वाला था। यार मैं तो अपनी बात तो चलो छोड़ो, मैं तो अपनी बात डिस्कस, मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं ये बड़ा गलत करते हैं, कसम से बाय गॉड लिटरली बड़ा गलत करते हैं, इनको नहीं पता कि प्लेयर्स पे क्या गुजर रही होती है उस टाइम, उस पे कितना यार वो प्रेशर होता है। लो हम यार वो तो मतलब एक देखने वाला ही है ना, मैं टीवी लगाया था, वो मतलब लकीली के वो बैडमिंटन आ गई, मतलब 10 स्पोर्ट्स पे और घर वाले भी पास बैठे हुए थे, तो मैच शुरू हो गया, मैंने कहा चले मैच देखना, मैंने ना तो मैच शुरू हुआ, तो वो जैसे मतलब वो मुराद भाई मतलब राइट साइड पे जाते थे, वो कदामी साइड पे मार देता था, वो झटके मार रहा है ठीक है, तो वो कह रहे ये तो कोई फाइट ही नहीं हो रही, कोई जज्बा ही नहीं नजर आ रहा, लेकिन उनको नहीं ना पता वजह क्या है, मजा मतलब क्या है डिफरेंस किस देखो, चीज का है, लेकिन वो तो पूरी वो एफर्ट डाल रहा या फिर वो प्लेयर्स क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस तरह के जिनको बैडमिंटन का नहीं पता, जिस तरह है। हाँ आपकी फैमिली में कोई बंदा क्रिटिसाइज कर दे, मेरी फैमिली में से कोई कर दे, लेकिन फेसबुक पे जो प्लेयर्स बैडमिंटन खेलते हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मुझे उन पे आ रहा था कि आज एक लोकल प्लेयर बैडमिंटन खेलता है एक क्लब में, वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि जी 7 दफा का मुराद चैंपियन है नेशनल, 2 गेमों में उसने एक में 7 किए हैं, एक में उसने पता नहीं 11-12 किए हैं, मिला के 21 हो गए तो मुराद जीत गया।
यार लोगों को तो वैसे यही काम है ना, जो लोग मतलब कुछ कर नहीं सकते बातें ही करते हैं, लेकिन मैं अब माशाल्लाह यार हाफिज बहुत उसकी परफॉर्मेंस है हाफिज भाई की, कि वो मतलब ऑस्ट्रेलिया एक बिग कंट्री है, हम मतलब वो ड्रीम कर रहे हैं कि हम जाएं स्टडी बेस पे ऑस्ट्रेलिया जाएं और वहां जाके हम मतलब अपनी लाइफ कैरी ऑन करें, ठीक है। तो हाफिज भाई मतलब वो उनके पास इतनी इतनी फैसिलिटीज हैं और वो उस प्लेयर को हरा दिया। बेशक अब कुछ प्लेयर कह रहे हैं, मतलब ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो कह रहे हैं कि वो तो अंडर 16 अंडर 17 का प्लेयर था, वो तो हल्का भाई प्लेयर था मेन, जो भी था मतलब देखो बड़ी जीता बात तो है है। यार एक कि वो बात, जीत। आप हारो तो कहते हैं जी कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर था, आप जीतो तो कहते हैं हाँ जी वो तो जीतो तो प्रोफेशनल प्लेयर था। बिल्कुल ये बात है। तो बाकी यार ये है कि माशाल्लाह काफी अच्छा खेल रहे हैं, तो बाकी आप मतलब क्या देखते हैं, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, मतलब जैसे 4 लड़के गए आप श्रीलंका जैसा मतलब कंट्री जो बैंकक्रप्ट हो गया पिछले दिनों में, आप सुन नहीं रहे होंगे न्यूज वगैरह, उनकी गवर्नमेंट भी नहीं है इस टाइम। उस गवर्नमेंट भी नहीं है यार उनका जो स्क्वाड गया है, मतलब 2 डबल्स के गए हैं ठीक है, एक दो सिंगल्स के और 2 लड़कियां, मतलब 6 लोग वो गए हैं साथ उनके कोचिज अलहदा, मतलब एक कोच है उनका और एक ऑफिशियल, टोटल उनका 8 बंदों का स्क्वाड गया। तो हमारे मतलब 4 गए हैं जिन्होंने सिंगल्स भी मिक्स डबल्स भी डबल्स भी, तो आप क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये यार देखो ये क्या। कॉमनवेल्थ गेम्स तो गुजर गई, ये जो होना था वो हो गया। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन से कि आने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स और आने वाली एशियन गेम्स में आप देखें। या सर मैं एक बात और अंदर ऐड करना चाहूंगा कि मेरी नजरों में हर बंदे का अलग ओपिनियन होता है, मुझे ये लगता है कि आपको उस प्लेयर को भेजना चाहिए जो करंट नेशनल चैंपियन हुआ। मुझे आप एक बात बताओ, मुराद इतने सालों से नेशनल चैंपियन है, ट्रायल्स हुए कॉमनवेल्थ गेम्स से, अल्लाह ना करे अगर वो हार जाता तो उसको क्या फायदा पिछले 4 साल से नंबर वन होने का। ये तो आप रूल है पाकिस्तान में ना, रैंकिंग निकालते हो ना, आप पाकिस्तान में रैंकिंग निकालते हो, हर 3 माह बाद रैंकिंग आती है, नंबर वन कौन है नंबर टू कौन है, तो वो रैंकिंग का क्या फायदा जब आपने ट्रायल्स लेने। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर आपने ट्रायल्स ले भी लिए हैं तो आपको सिंगल्स का एक, दो लड़के सिंगल्स के कम से कम आपका शायद नेट का इशू है। एक मिनट में ना, मैं नहीं, दोबारा रिपीट कर दो आप मतलब क्या कह रहे हो, ये सही कह रहा हो था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान 2 प्लेयर लड़के सिंगल्स के, हाँ मेंस के जी एक पेयर डबल्स का, यही क्राइटेरिया लड़कियों में भी 2 लड़कियां सिंगल्स की एक पेयर डबल्स का, ताकि देखो हम श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया पिछले लेकिन भी यार हैदर, लेकिन ये बात आपकी ठीक है, इतने फंड्स ही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती, जैसे क्रिकेट को करती है, इसको तो चलो सपोर्ट ही मैं नहीं आपको एक करती। बात बताऊँ, ये स्पोर्ट नहीं, देखो इन्होंने 2 लड़के सिंगल्स के भेजे कॉमनवेल्थ गेम्स में। हाँ जी मैं ये मेरा ये सवाल है कि इन्होंने 2 लड़कों की बजाय इन्होंने 2 लड़के मतलब एक डबल्स का पेयर क्यों नहीं भेजा सिंगल्स के बजाय। ये तो बात मतलब सोचनी चाहिए कि अगर ये डबल्स डबल्स को देखो, प्रेफर ही हाँ नहीं डबल्स, करते तो भी डबल्स तो हाँ खत्म ही करते, पाकिस्तान में इवेंट ही नहीं होना डबल्स खत्म चाहिए या कर सिंगल्स देना में इवेंट हो। पाकिस्तान में रैंकिंग चैंपियनशिप में, डबल्स खत्म कर दे, आप सिंगल्स रख दो, मिक्स डबल्स भी खत्म कर दे, आप सिर्फ सिंगल्स रखो ताकि हमें भी पता हो कि भाई सिंगल्स है, हम भी सिंगल्स से मेहनत करें ऊपर आए। देखो जब आपने डबल्स के ट्रायल्स नहीं लेने तो फिर डबल्स इवेंट क्यों होता है पाकिस्तान। डबल फिर तो हाँ ये बात तो ठीक है, मतलब कोई भी टीम इवेंट है ना अगर नेशनल है उसमें भी 2 डबल्स आपको होती हैं, दो हाँ मतलब फिर तो डबल्स ही खत्म कर दें, 5 सिंगल्स रख लें, क्योंकि जिसकी भी मुंह से बंदा सुनता है वो कहता है कि यार पाकिस्तान में डबल्स का कोई स्कोप नहीं, सिर्फ हाँ डबल्स सिंगल्स का का तो स्कोप है। हाँ इस तरह ही है। मुझे तो ये समझ नहीं आई कि देखो हाफिज भाई तो सिंगल्स में सिलेक्ट हुए, यार 1 सेकंड, आपका ना वो इशू आ रहा है, वो बफरिंग आ रही है, अब ठीक है अब ठीक है। हाँ मैं ये जी आप बोल। कह रहा हूँ हाफिज भाई सिंगल्स में सिलेक्ट हुए यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रायल्स में, हाँ जी वो बाहर जाके डबल और मिक्स डबल खेल रहे इंडिया के हाँ खिलाफ, जी तो फिर इधर वो सिंगल्स में सिलेक्ट क्यों हुए। देखो ना वही चीजें बात सोचने वाली ना, आपने अगर बिल्कुल सिंगल्स के ट्रायल्स अगर आपने लेने हैं, आपने एक लड़का सिंगल्स के ले लेते, एक पेयर आप डबल्स का ले लेते, क्योंकि डबल्स वाला प्लेयर या सिर्फ सिंगल्स खेल मिक्स सकता डबल भी है। खेल लेता है, मिक्स डबल भी खेल हाँ लेता है डबल्स का हाँ प्लेयर सिंगल वाला तो प्लेयर तो डबल्स नहीं खेल सकता, तो नहीं। वही बात आ गई ना, जब इधर आप सिंगल्स के ट्रायल्स ले रहे हो, बाहर जाके आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आप डबल्स और मिक्स डबल्स खेल रहे हो, तो ये तो बात गलत ही हो रही है ना। हाँ ये तो फिर प्लेयर्स को भी थोड़ा सा उनको कहना पड़ेगा मिलके, कि
आप अगर मतलब या तो फिर डबल्स को साइड पे ही कर देते हैं, हाँ डबल्स या खत्म फिर करा दो डबल सारे सारे फिर तो, अगर डबल्स का स्कोप ही नहीं है, आपने डबल्स के ट्राइज भी नहीं लेने, आपने डबल्स को प्रेफर ही नहीं करना पिछले 2 सालों से, या पिछले 4-5 इवेंट्स का कोई बंदा विनर है डबल्स का, आप उसको ट्राइज में पूछते ही नहीं हो ना कॉमनवेल्थ गेम्स में ना एशियन गेम्स में, तो फिर आप डबल्स क्यों खिला रहे हो पाकिस्तान में? मकसद क्या? आप रैंकिंग 3 माह बाद आप रैंकिंग निकालते हो, हर 3 माह बाद रैंकिंग अपलोड होती है, नंबर 1 डबल्स में ये है, नंबर 2 डबल्स में ये है, उस रैंकिंग का क्या फायदा जब आपने ट्राइज ही नहीं लेने डबल्स के? नहीं, एशियन गेम्स में शायद होते हैं ट्रायल्स डबल्स के। नहीं बात देखो एशियन गेम्स में शायद की बात, तो आप कॉमनवेल्थ गेम्स में क्यों नहीं ले रहे? अगर आपके बिल्कुल पास फंड्स नहीं है ना, अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप कह रहे जी हमारे पास फंड्स नहीं है, हम 4 लड़के नहीं भेज सकते, तो आप 2 लड़के सिंगल्स के क्यों भेज रहे हो? आप एक पेयर डबल्स का भेज दो। हाँ हाँ, 3 लड़के टोटल भेज दो, एक सिंगल्स का और 2 डबल्स के। 2 डबल्स के। देखो ये तो फिर ज्यादती डबल्स वालों के साथ ज्यादती हो रही है ना, सीधी सीधी बात, साफ लफ्जों में बात ये है कि सिंगल्स को आप प्रेफर कर रहे हो, हर जगह सिंगल्स इंक्लूड कर रहे हो, डबल्स वाले बेचारे क्या करें? सिंगल वाला प्लेयर तो डबल्स खेल ही नहीं सकता, मुराद भी तो डबल्स उस लेवल की अच्छी नहीं, नो डाउट अच्छी खेलते हैं, उस लेवल की नहीं खेल सकते जिस लेवल की उधर उनको चाहिए थी डबल्स, ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ श्रीलंकन के खिलाफ, डबल्स वाला प्लेयर तो सिंगल खेल प्रॉपर सकता है? मतलब प्रॉपर एक फ्रेश प्लेयर चाहिए था, जो जिसने सिंगल ना खेली होती और वो डबल खेल रहा डबल्स होता। खेलता और वो जीत जाता, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जीत जाना था 3-1 उसने। तो बाकी यार ये है कि चलें हम दुआ करते हैं। अच्छा तो यार क्या वो जब आप मतलब बता रहे थे कि आप मतलब जीते हो, आपने तो कहा होगा कि मेरी तो अब लाइफ ही बदल जाएगी। ऐसे ही है, जब मैं ना नेशनल एंथम प्ले हो रहा था हमारा, मैं नंबर 1 पोजीशन पे खड़ा था, कारी बिनाल मेरे साथ, तो शायद वो वीडियो पाकिस्तान फ्यूचर बैडमिंटन चैंपियन पेज है उसने भी लगाई होगी, शेयर की होगी, तो मैंने कारी दनान के कानों में कहा भी है, मैंने कहा दनान बस अब कैश प्राइज मिलने वाला तो ना सही तरह जरा तैयारी शेयर कर ले, मैंने उसके कान में कहा, उसके बाद नेशनल एंथम प्ले हुआ, तो खैर आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हर इंसान की विश होती है कि नेशनल एंथम आपका प्ले हो, आप नंबर 1 पोजिशन पे हो, तो आप मतलब यार बड़ा मैं तो यही सोच आप बड़ा प्राउड फील करते हो, तो ना नेशनल एंथम खत्म हुआ, उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन थी, उन्होंने जनाब सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, ठीक है बाहर ट्रॉफीज नहीं होती, मेडल्स होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल मिला मुझे, तो अब ना उन्होंने कहा जी आप ग्रुप फोटो हमने बनानी है आप सारे, मैं अब कारी दिलान हूँ, मैंने कहा कैश प्राइज कब देंगे, कोई अंदर रूम में जाके देंगे, कोई चेक चेक होगा, कोई साइन करना है हमने, बड़ा चेक होगा, नहीं इधर पकड़ा रहे होंगे, तो बाद में पता चला था हमें तो कैश प्राइज ही नहीं है, तो मैं यार यकीन करो मेरी इधर ऐसे, मैंने कहा यार दना ये हमारा हाथ हो गया, कहता इस तरह यार हो नहीं सकता कैश प्राइस आओगे चैंपियनशिप का कैश प्राइस कैसे नहीं होगा, तो उन्होंने हमें कहा था जी आपको ना आपकी बैडमिंटन फेडरेशन कैश प्राइस देगी, इधर इस टूर्नामेंट का कैश प्राइस वो आपको देगी, हमने नहीं देना, मैंने समझ लिया, मैंने कहा चलो पाकिस्तान जाके इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, मैंने उससे एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि मुझे PBF ने तो मुझे कैश प्राइस दिया था जितना इंचोसे का माशाल्लाह इन्होंने मुझे दिया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से उनकी एक पॉलिसी थी जब आप बाहर से कोई इंटरनेशनल गोल्ड लेके आओ तो 10 लाख रुपया फी प्लेयर को मिलता है, तो मैं जनाब घर आया, घर आके ना मैंने पैंट शर्ट ड्रेस पैंट शर्ट पहनी, मैं चला गया ऑफिस लाहौर में, वो जो कजाकी स्टेडियम में उनका ऑफिस है, हाँ जी, मैं उधर गया, मैंने कहा सर इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता हूँ, तो ना कैश पे 10 लाख रुपया सीधा करें जाके मैं गाड़ी चाली आल्टो वगैरह रूम में रहा, अपनी लाइफ सेट करूँ, तो मुझे उन्होंने कहा भाई हमारे बंदे नैब में गिरफ्तार हैं, तो आपको ना इंशाल्लाह जल्दी लेटर भेजेंगे पैसों का, तो आप परेशान ना हो, वो 4 साल हो गए, 3 साल हो गए वो ना लेटर आया ना बंदे नैब से निकले हैं बाहर, तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान की, कि आप तो किसी देखो ओनर ने मैं अनाउंस किया था फेडरेशन के अलावा आपको? नहीं नहीं सिर्फ फेडरेशन ने मुझे पैसे दिए थे, कैश प्राइज दिया था, और उसके अलावा 2 बंदे हैं, यासर इनाम सियालकोट के हैं, इन्होंने मुझे कैश प्राइज दिया था, एक इस्लामाबाद के हैं जाबर भाई, जाबर समीर नामन, उन्होंने कैश प्राइज दिया था, तो तीसरा बंदा वो शेख आसिम साहब है जिशान भाई के पास खेलते हैं वापी टाउन में, जिनका वापी टाउन हॉल है, उन्होंने 3 बंदों ने मुझे कैश प्राइज दिया था, बाकी मुझे PBF ने दिया थोड़ा सा, कह लो जितना उनसे हो सका उन्होंने उतना किया, मुझे कॉपरेट उन्होंने ले सकते हैं, बाकी मुझे किसी से कोई कैश, मतलब कुल मिला के आप समझ लो सारे पैसे मिला लो के 1 लाख रुपया बना था मेरा कोई लाख रुपए की दिहाड़ी लग गई गई दिहाड़ी नहीं 70-80 हज़ार रुपया मेरा अपना खर्चा हो गया था जहां पे मैं गया था, इसमें अपनी टिकट लगा के। नहीं नहीं टिकट नहीं भाई, मालदीव बहुत एक्सपेंसिव है, आप उधर चले जाओ 5-6 दिन के आपको पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं,
मेरा बड़ा खर्चा होगा तो उस ओवर का। ये है कि चलो अल्लाह ने जो इज्जत दी है उसका कोई नेमुल बदल नहीं, ठीक है, मुझे वो इज्जत, मैं समझता हूँ कि मैं आज इस काबिल नहीं हूँ कि जितनी मुझे अल्लाह ने इज्जत दे दी है। तो देखो यहाँ पे एक बात कहूंगा, अल्लाह ना इज्जत हर किसी को दे देता है, लेकिन इज्जत संभालना ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो हर बंदा इज्जत ही संभाल सकता है, इज्जत को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो शुक्र अल्लाह का, मुझे जहां तक लगता है, मेरे से जहां तक हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बरकरार हो। अच्छा वो ये है कि यार जैसे मतलब क्रिकेट को इधर पाकिस्तान में तो सिर्फ क्रिकेट ही है, बाकी स्पोर्ट्स नहीं तो कोई देखता भी नहीं है यार। मतलब हर देखते, टाइम कोई बच्चा भी है ना, मतलब गली में बच्चा भी है, वो भी जानेगा कि यार अफरीदी कौन है, शुएब अख्तर कौन है। हम नहीं जैसे प्लेयरों को तो कोई जानता ही नहीं, ठीक है, किसी से पूछ लो राजा हैदर कौन है, सिवाय 10-15 भाई, बंदे के या बैडमिंटन प्लेयर्स के अलावा कोई भी नहीं जानेगा आपको भाई। इधर तो तो बैडमिंटन नंबर वन सिंगल्स का बाइक पे जा रहा था और ये गेम। है कि यार जैसे क्रिकेट की इतनी वर्थ है, मतलब जो प्लेयर है उनकी वैसे ही लाइफ सेट हो जाती है, उनको पता है कि हमारा अब मतलब एक रोड मैप बना हुआ है, उनका कैंप है, उनके मतलब स्पॉन्सरशिप है, सारा कुछ है, उनको टेंशन ही नहीं। उनको पता है अगर हम बैडमिंटन से रिटायर भी हो जाएंगे, अब हमने इतना पैसा कमा लिया है, अब हमारा फ्यूचर सेट है। तो ये चीजें हैं सारी जिस वजह से मतलब मैं तो कहता हूँ सिर्फ होनी क्रिकेट ही चाहिए पाकिस्तान में, बच्चे कोई भी खेले, बाकी स्पोर्ट्स बैन कर दिया जाए, सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकते हो आप। यार हमारे मुराद ने उधर ना बड़ी अच्छी बात, माहौर ने बड़ी अच्छी बात की उधर इंटरव्यू भी, जब इंडिया से आ रहे ना माहौर ने इंटरव्यू में कहा कि देखो जी हमारे मुल्क के हालात जो है ना, जो दूसरे हालात हैं वो ही नहीं सीधे हो रहे, तो स्पोर्ट्स में तो उनका ध्यान ही नहीं है, इलेक्शन हो रहे नहीं मुल्क के तो यार अंदर। क्रिकेट क्रिकेट भी तो जा रही है, क्रिकेट भी तो काफी आगे है ना क्रिकेट क्रिकेट। यार देखो, क्रिकेट जब आपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना होता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि जो स्पोर्ट्स आपकी अच्छी नहीं है ना मुल्क की, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अब उस पर उनका ध्यान तब जाएगा ना जब वो बाकी चीजों से सारा कवर कर लेंगे। अब एक मुल्क की माशी हालत ही नहीं सही, हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, कोई किसी पे धांधली का इल्जाम लगा रहा है, कोई किसी पे लगा रहा है, पता ही कौन है वजीर आला कौन है, वजीर आजम कौन है, फलां कौन है। तो इन्होंने स्पोर्ट्स पे, अब जो अभी फंड इन्होंने अनाउंस किया है, जो 5-4 साल या 2 साल बाद मेरे ख्याल से फंड अनाउंस होता है पाकिस्तान का, उस फंड में स्पोर्ट्स का फंड ही कोई नहीं इन्होंने दिया। अच्छा आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो? वो तो हमारे जो वाजिद भाई है प्रेसिडेंट बैडमिंटन के, वो अपनी जगह सही है, वो कह रहे हैं हमें फंड है नहीं, हम कहाँ से प्लेयर्स भेजे। और इन्होंने बड़ी हिम्मत है उनकी, एंड टाइम पे आके उन्होंने स्पॉन्सर्स जमा किए और उन्होंने टीम को भेजा है। मैं तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा वाजिद भाई को, जिन्होंने इतनी टीम भेज दी। बाद में लोग कहते हैं बिल्कुल कि टीम, देखो मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है कि जो ट्रायल्स हुए थे ना वो डबल्स के भी होने चाहिए, मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये, सिर्फ सिंगल्स को आप प्रेफर ना करें, आप सिर्फ डबल्स को भी प्रेफर करें, ताकि जो डबल्स खेलते हैं वो डबल्स खेलने जाएं, जो सिंगल्स खेलते हैं वो सिंगल्स खेलने जाएं, बाकी टीम का जाना ना जाना वो फंड पे है, वो फंड होगा तो ये भेजेंगे, फंड नहीं होगा तो ये नहीं भेजेंगे। अब यार एक इंटरनेशनल सिर्फ दो वैसे होंगे ऐसे ही पाकिस्तान में, जैसे, हाँ जी हाँ जी बता, मैं मतलब कह रहा हूँ आप, सॉरी बात आपकी काटी है। जैसे यार क्रिकेट है, क्रिकेट के मतलब ये मैचेस वगैरह करवाते हैं, जिम्बाब्वे से कभी मैच हो रहा है, कभी मतलब कि सीरीज हो रही है, चले यार कोई जैसे बड़ी कंट्रीज तो वैसे भी नहीं हमारे जैसे जितने हमारी गेम है नहीं खेलेगी, लेकिन जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह की जो कंट्रीज है, मालदीव, इनके साथ मतलब होना चाहिए यार टूर, होना चाहिए प्लेयर्स, मतलब उनके प्लेयर्स इधर आए हैं, मतलब गेम खेले हैं, हमारे प्लेयर्स वहां जाएं, फिर ही जाके इम्प्रूवमेंट आएगी यार। मतलब इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जैसे क्रिकेट का है। या सर सारी बातें सही कर रहे हो, बात देखो उधर आ जाती है एंड पे, एक पॉइंट आज तक खुलासा ये है कि हमारे पास फंड नहीं है। देखो ना खुलासा तो ये है, हम तो कह दें वाजिब भाई को, मैं हम सारे प्लेयर्स रिक्वेस्ट कर रहे, शायद वो ये वीडियो भी देखें, तो मैं स्पेशल ये यासर मैम को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वाजिब भाई ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लें कि देखें जितना हो सके प्लेयर्स के आप टूर्स कराएं, उनको एक्सपीरियंस हो बाहर का, उनको पता हो कि जी हमने किस तरह अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखनी है, हमने किस तरह बाहर जाकर खेलना है, जितने हो सके टूर्स कराएं इधर। या फिर पाकिस्तान जो देखो पाकिस्तान ना नेपाल से भी अच्छा था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा था, पाकिस्तान आप और कौन सा मुल्क का नाम ले रहे थे,
मालदीव्स भी, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव पाकिस्तान मालदीव से भी अच्छा था, श्रीलंकन के बराबर था पाकिस्तान के टीम बांग्लादेश। इंडिया। अब पाकिस्तान देखो तीनों मैच आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स के, श्रीलंका से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया, इंडिया से भी हार गया। अब जब मैं टूर्नामेंट के लिए गया था ना साउथ एशियन अंडर 21, तो जो मेरे बैच में लड़के थे ना, आप ये देखो कि वो टूर्नामेंट खत्म होने के बाद वो इंडोनेशिया जा रहे थे। हाँ, कैंप के लिए जा रहे थे। हाँ जी, और जो लक्ष्य सेन इंडिया का जो आज कॉमनवेल्थ गेम्स में फाइनल में पहुंच गया है, वर्ल्ड टॉप 10 में है, नंबर 10 उसकी रैंकिंग है वर्ल्ड में, वो मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडोनेशिया में खेला था अंडर 19। सही आप सही, इतना फर्क है कि मैं अभी तक मैं पाकिस्तान का नंबर 1 हूँ और वो वर्ल्ड 10 में आ गया। वजह क्या है? सारी वजह ये है कि जी उनके पास टूर्स बहुत ज्यादा, साल के 25-30 टूर्स उनके होते हैं। यार यही है ना बात। अब मतलब जो टॉप पे प्लेयर खेल रहे हैं माशाल्लाह, वो तो टॉप पे ही है, नीचे से तो कोई मैं नहीं देख रहा कोई मतलब आ रहा है प्लेयर, सही कह रहे मतलब हो। जो टॉप अगर गैप ही बहुत है। मैं अगर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर या एज अ सीनियर प्लेयर या एज अ रैंकिंग टॉप प्लेयर मैं अगर देखूँ ना, तो मेरे नजरों में टॉप 4 की, क्योंकि आपकी रैंकिंग नंबर 5 है डबल्स में, आई थिंक आपके अलावा डबल्स का प्लेयर पूरे पाकिस्तान में मैं नीचे से किसी को नहीं देख रहा। ठीक है, नहीं मतलब यार कहने की बात मेरी ये नहीं है, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अब जैसे सबको डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं उस वक्त में, जो पुराना वक्त था तब तो डिपार्टमेंट्स ही बड़े होते थे, अब तो डिपार्टमेंट्स ही नहीं है। जो वापडा में है वो वापडा में है, ठीक है, न्यू प्लेयर्स को तो वो ले ही नहीं रहे, जो या प्लेयर्स हैं फिर वो पहले बैडमिंटन वाले प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान में, बैडमिंटन पहले प्लेयर्स पाकिस्तान को में निकाल आपको रहे हैं पता है यार, जो वो पहले प्लेयर्स हैं उनको ड्यूटीज पे भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। मतलब यही तो, ये अब यही तो मुल्क की हालत, ये ठीक नहीं हो रहे तो बेचारे स्पोर्ट्स का फंड वो किस तरह दे। ये है कि डिपार्टमेंट, जब प्लेयर को डिपार्टमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो मेहनत क्या करेगा, क्या उसको करेगा? पता है सही कि यार बात। मैंने अपना फ्यूचर बनाना है। अब भाई पाकिस्तान में मैं बैडमिंटन के दो जितनी मैंने प्लेयर हैं, मैं बैडमिंटन, इनका नाम नहीं लेना चाहता, बैडमिंटन के दो प्लेयर तो बैडमिंटन छोड़ गए, ये सीनियर मैं प्लेयर्स को लूंगा बता ना रहा हूँ। नाम, टेंशन ना लो, आप ना लो, मैं ले लूंगा नाम, टेंशन नहीं, नहीं वो लूंगा, उनका लेकिन अच्छा नहीं ना लगता वो लोग, मतलब जो प्लेयर छोड़ गए वो बुरा मनाएंगे, मैं तो इसलिए नाम नहीं ले रहा। एक तो गुजरांवाला का प्लेयर है वो गुजरांवाला का बैडमिंटन, प्लेयर है, वो उसने कैंप भी किया हुआ है बायर मलेशिया, लेकिन हाँ क्या था मतलब अगर उसको टाइम पे डिपार्टमेंट मिल जाता तो वो लगा हाँ रहता, और वो ऐसा प्लेयर था, मैं उसकी मतलब ट्रीप उसको भी पता होगा, वो ऐसा प्लेयर था कि वो अगर मतलब टॉप पे आ सकता था सिंगल्स में, वो इस टाइम टॉप पे खेल रहा होना था उसने, सही कह अगर रहे हो। उसको राइट टाइम पे उसको अगर कोई डिपार्टमेंट मिल जाता। अब ये देखो ना कि डिपार्टमेंट ही नहीं है, अब पाकिस्तान में मैं जहां तक मैं पहुंचा हूँ ना, मुझे पता कि ये स्पोर्ट्स, यहाँ तक है कि आप मतलब अपनी स्टडी जो है ना कॉलेज फ्री कर पढ़ सकते हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी फ्री मतलब कर अगर दिए। यूनिवर्सिटी आप स्कॉलरशिप में फ्री पढ़ सकते हो, बाकी अगर आपको कि आप बैडमिंटन से मतलब आप अर्निंग कर सकते हो, वो वाला सीन नहीं है। अब ये है कि यार मैं उन लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर काश वो लोग देख रहे हो, मतलब काफी क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोगों को भी करते हैं राजे, मतलब जाते हैं यार ये टूर्नामेंट्स क्यों खेलते हैं, ये होते हैं मतलब देसी टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब काफी इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में। करते हैं अब यार करते हैं पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 2-3 टूर्नामेंट होंगे, तो अब पता ही नहीं अब ये नेशनल खेल के आए हैं, मतलब रैंकिंग हुई है, इसके बाद पता ही नहीं टूर्नामेंट कब है, तो हमने अगर ऐसे ठीक इवेंट्स भी नहीं खेलने तो हम तो मेंटली सिक हो जाएंगे, टूर्ना इवेंट्स ही नहीं मिलेंगे, हम तो जाते हैं चलो यार खेल रहे हैं जाके, मतलब आप एक बंदा मोटिवेट रहता है इस तरह के इवेंट्स खेल के, दूसरा के थोड़ी बहुत आपकी अर्निंग भी हो जाती है, तो इसके बारे में भी आप क्या कहोगे। यार, जो ये तो बातें की थी लोगों ने मेरे, हमारे खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ ही की थी, जो टॉप प्लेयर्स थे सारे खेलने लग गए थे इस तरह के इवेंट्स। जो लोकल इवेंट्स होते हैं डबल्स के, सिंगल्स के तो नहीं होते, डबल्स के होते हैं, डबल्स के ही होते सारे हैं मतलब पाकिस्तान में, हाँ सारे सारे प्लेयर्स, टॉप प्लेयर्स आ गए थे खेलने। टॉप 10 जो थे ना अभी पाकिस्तान में जो है डबल्स के, सारे खेलने आते थे। नहीं हर उसकी जगह रीजन ये आते थी, हैं। कि देखो आज से साल पहले की बात है ये, कि DHA वाली नेशनल्स भी नहीं थी उस टाइम, आर्मी ने जो बहावलपुर नेशनल कराई ये भी नहीं थी, क्योंकि इन दो टूर्नामेंट्स का कैश प्राइज अच्छा है। ठीक है, अगर आप देखो उससे पहले कैश प्राइज क्या था, 20,000, 15,000, 25,000, 30,000 कर लो मैक्सिमम, ये कैश प्राइज। तो जो लोकल इवेंट्स होते थे उसका कैश प्राइज होता था 50,000, 60,000, लाख रुपया भी कैश प्राइज रहा हुआ 1 मिनट का। तो जब आपको पता ही नहीं पाकिस्तान, आप वाली बात आ जाती, जब आपको पता ही नहीं पाकिस्तान में इवेंट कब होना है डबल का, पाकिस्तान में रैंकिंग कब होनी है, तो एक टूर्नामेंट अनाउंस हो रहा है जिसका कैश प्राइज भी आपको अच्छा मिल रहा है, जिसका मतलब कह लो कि क्या कह सकते हैं यार उसको,
जो इन्वायरमेंट है उस टूर्नामेंट का वो भी अच्छा है, जो ऑर्गेनाइज कराने वाले बंदे हैं वो भी अच्छे हैं, आपके साथ बड़ी इज्जत कॉम्पिटिशन मिलती है, है वहाँ। आप इज्जत करते हैं, ठीक है, आपको 3 टाइम का खाना पीना सब कुछ, रिहाइश वगैरह अकोमोडेशन सब कुछ वो देते हैं, तो प्लेयर्स क्यों ना जाए वहां पे भाई। मतलब प्लेयर्स को भी तो यही चाहिए ना, फेम चाहिए, तो वो इस तरह ही मिलती है यार फेम। हमें अब हम नेशनल और टूर्नामेंट नेशनल और नेशनल और ये जो रैंकिंग होते हैं इवेंट्स, इसमें तो यार देखने वाले भी सिर्फ प्लेयर ही होते हैं, वो और तो कोई देखने भी नहीं हाँ, आता। तो जब टूर्नामेंट देखो हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेलते रहेंगे, हमें कोई भी नहीं जानेगा, जब हम डिफरेंट जगह जाएंगे लोगों को अपनी गेम दिखाएंगे लोगों को इंस्पायर करेंगे तो लोग हमारे फैन बनेंगे ना, कि बैठे बैठे मैं फेसबुक पर पोस्ट लगा दूं राजा अदर करंट पाकिस्तान नंबर 1, तो लोग कहेंगे वाह 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 वाह, मुझे कोई जानता ही नहीं होगा, जब वो मेरी गेम ही नहीं देखेंगे उन्होंने तो यही कहना भाई मैंने इसकी गेम ही नहीं देखी। मैं अब नहीं जाता खेलने, मैं जो पिछले 3-4 साल मैं इवेंट्स खेला हूँ, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, मैं और आप भी 2 टूर्नामेंट्स के विनर रहे हैं शायद आपको पता हो, एक पता नहीं क्या हाँ, एक चार टूर्नामेंट में साल सेमीफाइनल में आ रहे थे, आपके भाई से ही मैच था मुझे याद है, लेकिन आप वो नहीं आपके आइडल हैं तो उसके अलावा आपने वो ग्रेशन नहीं था दिखाया। अगर नहीं कोई और यार होता ना, वो भी टूर्नामेंट हमने जीत जाना था, ये याद रखो बात। वो ना वो मेरी तबीयत नहीं थी, मैं जन्म था मेरी टांगों में जान नहीं थी, वो मुझे क्रैम्स वगैरह का उस टाइम था कोई मसला, इस वजह से वो हम आ रहे थे, और बकायदा बाद में वो कह रहा था कि देखो जो इवेंट्स हम खेल रहे, मैं जिधर भी गया हूँ ना लोगों ने बड़ी इज्जत किया, और बड़ी इज्जत लोगों का किया भी यार। इज्जत इस वजह से करते हैं कि यार उन्होंने मेरी गेम देखी हुई थी, मैं और राजा फलां उस जगह पे आया था, अच्छा, वो वाला प्लेयर फलां उस जगह पे आया था, वो वाला प्लेयर, मुराद को आप किसी देहाती इलाके में ले जाओ लोग जानेंगे नहीं, कहेंगे यार ये पठान कौन आ गया, हाफिज नहीं इरफान को ले अब जाओगे जानेंगे तो यार, नहीं अब जानेंगे, अब मैचेस देखे हैं उन्होंने ये देखो स्पोर्ट मैंने टाइम्स। खेल में खेल के आया नहीं है नहीं थोड़ा मैं बेचारे। तो मतलब वो देखेंगे, देखे होंगे मैचेस यार उन्होंने, जो बैडमिंटन खेलता है वो हर बंदे ने मैचेस देखे हैं। देहात इलाकों की बात कर रहा हूँ, जो पेंडू लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, शहरों की बात नहीं कर रहा, पेंडू में कहाँ से 4G 5G आ गया, जो उन्होंने मैचेस देख रहे हैं मुराद के कॉमनवेल्थ गेम्स के, ये हाँ मुराद ये मुरूद भी है, उनको नहीं पता, बस वो नाम पता होता है कि जी पाकिस्तान नंबर 1 मुराद है बस, वो ना उसकी गेम देखी थी उन्होंने ना वो। मैं तो कहता हूँ आप जितनी आजकल के दौर में आप फैन फॉलोइंग बढ़ा लो आपके लिए उतना ही फायदेमंद, ये बैठे बैठे घर में 4 माह बाद इवेंट खेलना रैंकिंग खेलना जीत जाना ये कोई मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात नहीं है। सही सही। बाकी यार मेरा मेरी नजर में जो है ना कि पाकिस्तान के मतलब इस टाइम मेरी नजर में जो 4 प्लेयर है ना, इन पे अगर वर्क किया जाए, मतलब इनको कैंप मिले, इनको बाहर अगर भेजा जाए, तो ये वर्ल्ड के टॉप लेवल पे खेले, मतलब यार इनके आप ऊपर ये अगर देखो तीन वो तीन जूनियर प्लेयर लड़की है वो कराची की, हमारा लड़की ये बहावलपुर में, मैंने उसकी गेम देखी इतनी अच्छी है वो डबल्स की सेंस में, यकीन करो मुझे लड़कियों में पाकिस्तान की डबल्स में गिन के 2 लड़कियों की गेम पसंद है, एक में खिजरावा जी है ठीक है, एक में बलवशा है उसकी डबल्स भी अच्छी है सेंस, मतलब सेंस में कह रहा हूँ डबल्स सारों की अच्छी है, सेंस की बात कर रहा हूँ इनको डबल्स खेलने की सेंस है। तीसरी लड़की मतलब मुझे कि हमारा अच्छी लगी है, सही जो इस सही उम्र में देखो 17-18 साल की उम्र में वो साइड जा रही है, वो पुशिंग कर रही है, वो अटैक कर रही है, वो डिफेंस कर रही है डबल्स वाली प्रॉपर, वो देखो जूनियर को लेके वो फाइनल खेली है यार, वो लड़की पे वर्क किया जाए यासर, उसको 2 महीने से 3 महीने का कैंप दे दिया जाए तो वो पाकिस्तान नंबर 1 नहीं बन सकती मुझे बताओ। यार 2-3 महीनों की तो बात लेता है, मतलब एक रोड मैप होता है ना, जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ कि मतलब प्लेयर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो फारिक प्लेयर है ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब इतना, हम भी तो इंसान ही है ना, हम भी किसी से कम नहीं है भाई। अगर हमें मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला जाए, जैसे ये 4 लड़कों का मैं बता रहा हूँ कि अगर इनको 3-4 साल, अभी ये जूनियर है, 3-4 साल अगर इनको मिल जाए टाइम, तो ये मतलब इनके ऊपर वर्क किया जाए, तो ये जैसे ये इंडियंस टॉप पे खेल रहे हैं ना, टॉप 8, ये इस तरह वो भी वर्ल्ड पे खेले खेले। रहा खेले यहाँ से ये बात ले दो रहे चार थे प्लेयर आप है, मतलब मेरे मैं आपको साथ बताता हूँ ये नहीं 4 प्लेयर्स के नाम बता देता हूँ। सबसे पहले तो मुकीत है, मुकीत ताहिर, ठीक हुई। है, मतलब वो काफी उसमें अच्छा है टैलेंट के, वो मतलब टॉप पे खेल सकता है, वर्ल्ड यंग लेवल यंग की बात यंग है कर भाई रहा मेहनत कर रहा है वो अच्छा है। हूँ मुकीत। दूसरा मतलब एक आपका नाम है ठीक है, सिंगल्स के हवाले से ठीक है। तीसरे पे आता है लरोश, ठीक है, वो भी मतलब काफी अच्छा, मिक्स डबल सही भी बात काफी अच्छी खेल रहा है, मतलब उस पर मेहनत करके ऊपर आया वो ना। कर दे रहा है। और चौथा जो है वो शुएब रियाज, अगर इन 4 पे वर्क किया जाए तो ये टॉप पे खेल सकते हैं। सही बाकी बाकी भी हैं प्लेयर, लेकिन ये वो 4 प्लेयर हैं कि मतलब जूनियर है ना, मतलब फ्यूचर में ये चलने वाले प्लेयर है। सही बात है, जो जल्द भी टाइम के ऊपर आ गए जो परफॉर्म करने लग गए, हाँ जी यही प्लेयर है यार, मैंने देख कहा लो तो आप।
आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही, बोलो। मैं कह रहा हूँ कि यही चार प्लेयर हैं जो मतलब अभी देख लें क्वेटा रैंकिंग हुई, यही सेमीफाइनल खेल रहे हैं, यही मतलब फाइनल में भी पहुंच रहे हैं, तो यही प्लेयर हैं, आने वाला मतलब फ्यूचर भी इनका ही है। बाकी तो मतलब एक वक्त डाउनफॉल तो आता ही है यार, हर प्लेयर में आता है। मतलब अगर आपका ग्राफ ये है तो एक ना एक दिन तो आपका लो होना है ग्राफ, तो हाँ, ये है कि सही बात, डाउनफॉल आज इनको भी भेजा दिख रहा है। जाए, बवाल जो है, मलेशिया भेजा जाए, इनको इंडोनेशिया भेजा जाए और प्रॉपर इनको टूर्नामेंट्स इवेंट्स मिले, तो ये तो कुछ भी नहीं परफॉर्म है। इंडियन करेंगे, टीम सही से बात है। बहुत कई आगे यंग हैं। प्लेयर्स है यार, इनको हाँ फैसिलिटीज मिले, टूर्नामेंट्स मिले, बाहर का एक्सपोजर मिले, आप ये प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, नो डाउट। सारे प्लेयर्स जिनका आपने नाम लिया, प्लेयर्स पाकिस्तान में सभी अच्छे हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान में, वो मेरे ख्याल से आपने सही नाम लिया, सारों की सही नाम लिया। माशाल्लाह सारे यंग हैं, अभी उनको टूर्स मिले, टूर्नामेंट्स मिले, तो वो मेहनत करें और वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे उनको मतलब जो पाकिस्तान की तरफ से ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से कोई फंड नहीं है उनको, कोई टूर्स नहीं है, कोई उनकी टूर्नामेंट्स तरफ नहीं है से बाहर लगा है के, ना, उनकी तो तरफ से वो मेरे कैंपिंग ख्याल से, हो अब। जहां तक मैं देख रहा हूँ भी पाकिस्तान की हालत, मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में बेचारे रह जाएंगे, इधर ही खेलते रहेंगे। यार आप ये देख लो कि वो आप लोगों को मतलब अपने भी आप ही खेल रहे हो, कोई स्पोर्ट तो करने वाला नहीं है। मतलब कोई मतलब कैंप लगा हुआ, आप सुबह उठे हो आपको पता है यार कैंप लगा है, मैंने रनिंग करनी है, दोपहर में जिम करना है, रात में फिर गेम करनी है, आप उठे हो आपको पता ही नहीं है मतलब क्या करना है आपने, तो फिर वो उस तरह की तो फिर परफॉर्मेंस तो नहीं ना आती इंटरनेशनल लेवल पे आप। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज और 2 दिन निकाल के मैं 10 दिनों से गेम पे नहीं जा रहा। मुझे पता है कि गेम पे जाने का फायदा, मुझे बताओ, इधर कोई टूर नहीं, कोई कुछ नहीं, नंबर 1 हो कि कोई फायदा नहीं, क्या फायदा गेम पे है? हमें जाके शक्लें खर्च करनी है, पैसे जाया करने हैं क्या? जब आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आपने इनपुट क्या देना है? काफी यार लोगों के कमेंट्स आए हैं तो वो अभी भी हैं, वो कह रहे थे कि मतलब डबल्स का एक पेयर लाजमी होना चाहिए था इस इवेंट पे। ऑस्ट्रेलिया और तो होना चाहिए था श्रीलंका फिर क्या को हुआ? तो जी सकते थे हम, ऑस्ट्रेलिया और सही श्रीलंका बात, को तो मतलब क्वार्टर फाइनल में अगर हम क्वालिफाई कर ऑस्ट्रेलिया और लेके चले श्रीलंका को मलेशिया जीत से जाते, मैच, तो तो मेरे ख्याल से हमने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेना था। एक्सपोजर मिलना था, क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाते तो बड़ी बात थी। सही बात है, टॉप 8 में आना कॉमनवेल्थ गेम्स में। खैर, अब यही एक्सपेक्ट चलो कर रहे हैं यार आप पाकिस्तान के मतलब बाकी ये है कि आप क्या फ्यूचर देख रहे हो नेक्स्ट? यार। फ्यूचर देखो, मैं तो जो अपनी नजरों में फ्यूचर देख रहा हूँ वो तो यही है कि पाकिस्तान के बैडमिंटन के हालात बिल्कुल डाउन है इस टाइम। मुझे नहीं कोई इस टाइम समझ आ रही कि ये कोई टूर्नामेंट्स या कोई कैंप्स वगैरह लगाएंगे। बाकी है, अगर आपकी बात करो एक्सपेक्टेशंस की, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से फंड के हवाले से, कि वो फंड देंगे बैडमिंटन को भी, ताकि बैडमिंटन में कैंप लगे, कोई बाहर का कोच इधर आ जाए, अगर नहीं प्लेयर्स बाहर को भेजना, कोई बाहर से कोच मंगवा ले, जिस तरह 2016 में मंगवाया था उन्होंने। अब जिस तरह इंटरनेशनल सीरीज 2 आ रही है, इसके लिए इनको चाहिए कि 2 महीने का कैंप लगाएं अभी से, अभी से लगाए ताकि ताकि परफॉर्मेंस हाँ प्लेयर्स तैयार हों, सिंगल्स के सिंगल्स को लगाएं, डबल्स के डबल्स को स्किल्स कसाएं। लेकिन नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स का मुझे बताओ, 10 दिन का कैंप लगाया सर, 15 दिन का लगा होगा। करें। ये नहीं ना, प्लेयर्स को नहीं आइडिया ना इन चीज की, इंफॉर्मेशन छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी मैटर करते हैं। कैंप में नहीं लगा, आप क्या फिर उम्मीद कर रहे हो? वो बाहर जाके सर काम के दाम भी तो देते। वो तो नहीं फिर होता। बाकी यार ये है कि एक प्रॉपर बस एक यही वजह क्राइटेरिया ना, बन, बात 2 तरफ, फ्यूचर मैं नहीं देख रहा पाकिस्तान बैडमिंटन का, पाकिस्तान में बैडमिंटन का, यार एक पाकिस्तान का फ्यूचर क्राइटेरिया मैं भी नहीं देख बनना रहा चाहिए यार, इतना अच्छा, नहीं मैं देख रहा। आपको क्राइटेरिया भी एक बनना चाहिए। मुझे काफी मैसेज आते हैं मतलब पेज पे भी, उसके बाद मतलब पर्सनल भी आते हैं कि हम मतलब कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, गेम शेम स्टार्ट करें। अब लिटरली मैं आपको बताऊं, 3 से 4 साल पहले की बात है, तो मेरी तो यार एंट्री नहीं थी हो रही, मतलब वो ये टूर्नामेंट्स में रैंकिंग वगैरह जो भी इवेंट है, आपने बताया मैंने था मुझे, अंडर मुझे अंडर 19 की मैंने एंट्री करवानी थी, तो अंडर 19 की मेरी 1997 एज थी, तो मैंने कॉल की तो मुझे आगे से जवाब आया कि आप किस अथॉरिटी से हमें कॉल कर रहे हो, हम नहीं ऐसे खिला सकते। तो मैं बड़ा मुझे पता ही नहीं था कि पहले डिस्ट्रिक्ट वाले से बात करते हैं फिर उससे बात करते हैं, मैं बड़ा डिसहार्ड हुआ तो मैं खेला ही नहीं अंडर 19। तो फिर ये था कि मतलब अल्लाह ताला ने मतलब मेहनत का फल दिया, मेहनत की थोड़ी बहुत, तो फिर उसके बाद ये था कि मतलब किसी के रेफरेंस से फिर दोबारा एंट्री हुई, वो भी किसके रेफरेंस से हुई, अंजुम के। अंजुम आप जानते ही होंगे जो
खेलते हो भी ब्रांड आप फोकस मैच, का नंबर। मतलब 3 से 4 इवेंट्स में मेरी एंट्री कैसे हुई? अंजुम के रेफरेंस से। अंजुम मेरी एंट्री करवा देता था। मैं अभी अगर वो वीडियो देख रहा तो मैं उसका काफी मतलब थैंकफुल हूँ कि उसने मेरी। अब मैं आपको बताऊं कि यार उसामा लड़का है, उसामा शफी, ठीक है, उसका रैंक है पाकिस्तान नंबर मतलब 23 रैंक है। एक बड़ी बात है कि इतनी 25 करोड़ अवाम में से मतलब जितनी भी है पॉपुलेशन, मतलब आप 22वें नंबर पे हो, तो उसकी इस दफा एंट्री नहीं थी हो रही। लास्ट टाइम किसी बंदे से रिक्वेस्ट करके, साजिद भाई न्यूहान से रिक्वेस्ट की उनको कि यार आप मतलब न्यूहान से उसकी एंट्री करवा दें, तो उन्होंने जाके बड़ी मुश्किल से आखिरी टाइम पे एंट्री कराई। अगर ना होती तो वो तो बेचारा खेल ही नहीं था सकता। तो बात ये चार है साल कि पहले की यार बात है, थे अंडर 19 ऑल पाकिस्तान के थाईलैंड की टीम गई थी, जिसमें अमर जलाल था, शरोज था, एक दो प्लेयर और थे मेरे ख्याल से, उसमें गोहर था, टीम के ट्राइज न्यू खान में। तो मैं उस टाइम अंडर 17 करंट चैंपियन था ट्रायल्स अंडर 19 के वजह। तो मैं ट्रायल्स देने गया तो मुझे तो जाकर उन्होंने कहा कि आप ट्रायल्स नहीं दे सकते क्योंकि आप अंडर 17 कैटेगरी में आते, आप अंडर 19 कैटेगरी में नहीं आते, आप ट्रायल्स नहीं दे सकते। ये कहाँ का रूल है मुझे बताओ कि अंडर नहीं यार, सेवनटीन का उनकी प्लेयर साइज तो नहीं जूनियर है प्लेयर सीनियर बाकी, नहीं खेल सकता? लेकिन ये है ये तो कि नया है कि जो सीनियर प्लेयर जूनियर नहीं भाई खेल सकता, ये बाहर तो रूल है भाई। बाहर की कंट्री में तो वो जूनियर ही तो चैंपियन बनते हैं। आप देखो वर्ल्ड इतनी चैंपियन जूनियर चैंपियनशिप बनेगा। टीम का ब्रांड ये लुकिन, क्या नाम है इसका, लुकिन इस तरह का नाम है लुक एन ये जी वर्ल्ड जो है चैंपियन। सिंगापुर का, ट्वेंटी हाँ लुकिन जी, ये वन लुकिन ट्वेंटी वन बना ईयर्स है। की एज में बना, ये वर्ल्ड चैंपियन। अब बताओ लक्ष्य सन ये है, भाई, लक्ष्य सन भी है, जूनियर प्लेयर ही है वो भी, 20-21 साल का वो तो क्या कहूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस कमी बिल्कुल। है तो पैसों की कमी है, फंड की कमी है, बाय टूर्स की कमी है, एक्सपोजर्स की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है, ये चीजें सब आती है टूर से और इसका कोई हल नहीं। अच्छा यार बात फिर ये है कि मतलब चले यार, हम तो दुआ ही करते हैं, हमारे से भी जितना हो सकता है। मैंने मतलब ये बैडमिंटन हाइलाइट्स बनाने का ही मकसद ये था, ठीक है, कि ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है, जिन तक न्यूज़ नहीं जाती, मतलब जैसे ट्रायल्स वगैरह होते हैं उन तक खबर नहीं जाती, तो मेरा पेज बनाने का मकसद ये था कि चलो यहाँ लोगों को पता लगता रहे। अब मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, पाकिस्तानी वीडियोस पे तो यार व्यूज ही नहीं थे आते यूट्यूब चैनल पे देखते ही नहीं, कोई 500-600 व्यूज आते हैं। तो मैंने अब इंटरनेशनल वीडियोस लगानी शुरू कर दी हैं, लेकिन उस पे ये है कि मतलब लाखों में व्यूज आ रहे हैं। अब ये सीन है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को कोई देखता ही नहीं यार। लोग हैं वो पाकिस्तान के प्लेयर्स में इंटरेस्ट नहीं रखते। और मजे की बात, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, अगर मैं बीच में कभी लगा देता हूँ ना, कंटेंट नहीं होता, तो मैसेज आ रहे होते हैं, मतलब लिख दिया अगर मैंने कि प्रोफेशनल प्लेयर का मैच है, तो कहते हैं ये कहाँ से प्रोफेशनल प्लेयर है, इनके तो नैनक्ष ही नहीं है, इनका फुटवर्क ही नहीं सीना इनका फुटवर्क ही नहीं है, तो ये कहाँ के बड़ा। फिर यार मैं फिर डिलीट कर देता हूँ कमेंट, ताकि यार कोई नाराज ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। यार तो बहुत के हाँ जी हमारे तो हमें टूर्स मिल गए, हमें कैंप्स मिलते हैं ताकि हम जो है ना बाहर जाके पाकिस्तान के नाम रोशन। यार, अभी काफी सीनियर प्लेयर से सुनने में आता था कि जो पुराना मतलब इरा था ना बैडमिंटन का, आज से 10-12 साल पहले लगा लो, टूर ही काफी मिलते थे यार, मतलब काफी कैंप मिलते थे, 2-2 साल के कैंप हैं, 3-3 साल के, और उसके बाद टूर मिल रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो फिर वो इस तरह ही टॉप पे भी वो खेल रहे थे। अब तब का लेवल और आपका लेवल बड़ा डिफरेंस है, क्या कहते हो आप? तो पाकिस्तान में रैंकिंग चैंपियनशिप होती है, हर दफा वही टॉप 8 क्वार्टर्स खेलते हैं। वही टॉप 8 खेलते हैं, और वही डबल्स और सिंगल्स के वही फाइनल सेमीफाइनल में खेलते इससे हैं, क्या ज्यादा वजह रिकॉर्ड है? हमारे, यार वजह ये है कि हमारे जूनियर प्लेयर्स मेहनत नहीं कर रहे, उनको पता है कि आउटपुट ही नहीं है, हम क्यों मेहनत करें मुझे बताओ। मतलब गैप ही बहुत है छोड़ो टॉप 8 से। नीचे वाले प्लेयर्स की, छोड़ो मैं बात कर रहा हूँ अपनी, पाकिस्तान नंबर 1 शुक्र अल्लाह का नंबर 1 डबल्स पे हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 10 दिनों से गेम पे नहीं जा रहा। कि वजह सही इसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि मुझे आउटपुट ही नहीं मिलना, मैं जाके 3,000 रुपये का डब्बा हो गया वेकेंट, मैं और पहले नहीं भाई बेसिकली 3100 का हो गया।
100 रुपया महंगा और हो गया, 3100। मेरा वक्त से मिलते हैं 1090। मैं यार जितने भी वीडियो जो देख रहा है ना, किसी को भी डब्बा चाहिए हो ना तो वह हैदरबाई से रहा करे, वो 3000 का आपको ले देंगे। दो तीन डब्बे से लग गए। और वो 3000 का जो डब्बा होता है ना, उसमें भी कटिंग वाली शटल होती है 5 से 6। पूरी फरवरी मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि मेहनत क्यों नहीं कर रहे जूनियर प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारे ना टूर्स लग रहे, ऊपर वाले प्लेयर्स के लिए लग रहे, नंबर वन प्लेयर्स के लिए लग रहे, तो हम तो फिर 16 से बाहर है। भाई यही बात है ना, वो अब मैं टॉप एट या 9 से लेके नीचे तक गैप ही बहुत है, सिंगल की बात कर रहा हूँ। मतलब टॉप से लेके फर्स्ट, मतलब टॉप 8 प्लेयर लगा लो, 9वां लगा लो, ठीक है, उससे नीचे 9वां और 10वां, उससे नीचे गैप ही बहुत है, नीचे से कोई प्लेयर ही नहीं मुझे नजर आ रहा। सही, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आप मैं तुम हो ना डबल्स में, तुम अच्छे हो, नंबर 5 माशाल्लाह, पापा नंबर 5 है। यार डबल्स की बात नहीं है यार, मैं अब आपको बताऊं, मैंने तो गेम ही वो सिंगल तो खेलनी छोड़ दिया, और डबल्स तो वो वैसे ही, चलो यार क्लब लेवल में डबल्स खेलते हैं तो वो शुगल मेला लगा लेते हैं, मेहनत करनी छोड़ दिया। 3 3 माह से तो मैंने तो रनिंग ही नहीं की। मैं तो बड़ा पैशनेट था, मतलब 30 30 35 35 मिनट रनिंग करनी, स्प्रिंटिंग करनी, उसके बाद जिम करना, तो जब पता है आउटपुट ही नहीं, डिपार्टमेंट ही नहीं अभी तक, तो मैं पागल हूँ, मैं मेहनत इतनी करूँ। आपको पता ही है मुतीब कि, हाँ जी भाई क्या, और हमारा ना इंस्टाग्राम पे लाइव लगाया हुआ था बैडमिंटन पाकिस्तान में, तो वो डिस्कस कर रहे थे कि हमारा पाकिस्तान का बड़ा अच्छा प्लेयर है, सिंगल कैमर नाम है उसका, लाहौर कैमर चलाए, उसको भी देखो अभी तक यार हमारा डिपार्टमेंट। ग्रुप मेट, हमारा बैच मेट है, मतलब उसकी हाँ 13 रैंकिंग है, उसके बाद यार अबू जर था, मतलब है अभी भी, उसके बाद आरिज देख लो, आरिज 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 जो था गुजरांवाला का, वो गेम सही, छोड़ गया, वो मतलब टॉप लेवल का प्लेयर था, ठीक सिर्फ है, मतलब डिपार्टमेंट्स आ नहीं बदले सकता हम, था। डिपार्टमेंट्स पिछले डिपार्टमेंट जो प्लेयर्स हैं, मैं अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, देखो तो फिर इसमें आपको अब पता ही नहीं, मैं, आप तो पक्के हो गए, नहीं तो ये तो नहीं कहूंगा कि वापडा वालों का कसूर है, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि जी हमारे मुल्क के हालात ही नहीं सही, डिपार्टमेंट वाले वो स्पोर्ट फंड देंगे तो डिपार्टमेंट वाले बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे ना या परमानेंट करेंगे। मैं 1 साल 2 साल में नेशनल बैंक से खेला, मैं नेशनल चैंपियन था टीम इवेंट का, और 2 साल में वापडा से खेला, मैं टीम इवेंट नेशनल चैंपियन था, 4 साल में नेशनल चैंपियन टीम इवेंट का हूँ, और करंट नेशनल चैंपियन इंडिविजुअल डबल्स का हूँ, मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो मैं नीचे वाले प्लेयर्स को किस तरह मशवरा दूं कि भाई बैडमिंटन शुरू करो, बैडमिंटन खेलो, उनको मैं कैसे मशवरा दे सकता हूँ। मेरे से कोई अगर किसी के माँ बाप पूछे आके कि जी हमने अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है, मैं तो उसको साफ कहूंगा कि जी इसको बैडमिंटन में जिंदगी में ना डालना, इसको क्रिकेट में डालें जिसमें कुछ स्कोप है, इसको स्विमिंग में डालें, इसको कराटे में डालें, बॉक्सिंग में डालें, मैं तो बैडमिंटन का मशवरा किस तरह दूंगा, मैं बैडमिंटन का मशवरा दूंगा इसको बैडमिंटन में डालें। उन्होंने कहा आप किस स्केल पे, मुझे जरा बताएं। पीवी सिंधु का भी रिसेंटली वो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ शायद टाटा मोटर्स के साथ, उसका 150 करोड़ का, मतलब उसका वो हुआ जो पाकिस्तानी शायद 300 करोड़ बनता है, ये 1 साल का है सालाना कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा तो भी उसको टाटा ही क्या था तो भाई, उन्होंने कहा टाटा ये मान टाटा लो, टाटा भाई फाइव भाई ये हमारा कौन टाटा सा वो एक वीडियो वायरल हुई थी ना, वो स्क्वैश का प्लेयर था, उसने कहा था, उसने कहा इंडियन प्लेयर था उसको मैं जीता था, तो उसने मुझे कहा जी मेरे पास स्पॉन्सरशिप बहुत है किया स्पोर्ट्स के, तो पता नहीं किस किस के स्पॉन्सर नाम उसने डिफरेंट चीजों के लिए, उसने कहा मेरे भी मेरे पास स्पॉन्सर है, वो भी मुझे टाटा कहते हैं, वो कहते हैं जिसके पास मैं स्पॉन्सर मांगने जाता हूँ सर स्पॉन्सर कहते हैं, वो कहता है टाटा, तो मुझे उस बात से ये टाटा। बात याद आई है टाटा। अच्छा मेहनत का फल तो अल्लाह ताला जरूर देता है भाई अपने बंदे को, बाकी ये है कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन यार आगे आपको एक चीज नजर तो आए ना, फिर बंदा मेहनत करता है यार, और यही बंदा फिर बात दिल है, से मैं यही मेहनत था आपसे करता मैं कह रहा हूँ, इतना लंबा इंटरव्यू हो गया माशाल्लाह, है। ये आप चढ़ेगा इंटरव्यू लोग देखेंगे, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जी हम मेहनत इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमें आउटपुट नजर नहीं है, हमें आउटपुट नजर आएगा तो हम मेहनत करेंगे, बस ये मेन खलासे के निचोड़ ये है कि जितना हो सके हमारे लिए कैंप्स लगाए, हमें बाहर भेजें ताकि हम मेहनत करें और हम नाम रोशन करें, हमारे लिए कैंप्स नहीं लगेंगे, हमारे लिए टूर्नामेंट अनाउंस नहीं होंगे, हम क्यों मेहनत करेंगे, मुझे
मैं बुजुर्गों से इंशाल्लाह खेलता हूँ, इंशाल्लाह। 45-45 साल के हैं, हाफ जवाब में मैं डबल्स। बता रहा हूँ ना, डबल्स ही खेलते हैं जाके। आप कह रहे हो ना कि डबल्स, आप मतलब डबल्स खेलते हैं, वो भी ये है कि फिजिकली फिट होने के लिए। जब हमें पता हो कि यार अगर कोई फ्यूचर है, हम सुबह एक मतलब आपको पता हो कि सुबह मॉर्निंग में कोच से ट्रेनिंग करनी है, ठीक है, आप तो मोबाइल यूज ही ना करो, आप मतलब कोचिंग आपके जेन में हो, मतलब मोबाइल यूज करने का तो टाइम ही ना हो, आप तो इतने ही थके हो, इतनी ट्रेनिंग है, आप सुबह रहो मतलब कोच से ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप वो जाओ मतलब जो भी आपका सेशन होता है, 2-3 सेशन लगाओ, आपको वैसे ही नींद आ जानी है। तो जब पता ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं, तो बंदा फिर अपने फ्यूचर पे थोड़ा सा मतलब तवज्जा दे, चलो अब आप क्या कहते। मेरा मेरा ना डिस्कशन हो रहा है, मैं आपको कहता हूँ कि आप बात खत्म करो, तो जूनियर्स को क्या पिकाउंट करना यार जूनियर्स को मैं यही पे काम देता हूँ कि मेहनत करते रहो, लेकिन अपना पहले फ्यूचर सोचो, पहले फ्यूचर चाहिए? मस्ट बैडमिंटन है। को फ्यूचर ना रखो। फ्यूचर बैडमिंटन को अगर आप खेलना है ना, तो वो समझ लो कि आप खेलो सही, लेकिन अगर आप समझो कि मैं यहाँ से अपनी कल को मैं अगर गेम छोड़ता हूँ, तो मेरी मतलब मेरे नीचे वो स्पोर्टेज होगी, वो वाला सीन नहीं है यहाँ, तो ये सारा है। तो बाकी ये है कि आप मतलब, मैं चले आपसे पूछता हूँ कि आपका फेवरेट प्लेयर इस टाइम करंट पाकिस्तान में किसको देखते हो आप, सिंगल्स में जिसका, डबल नहीं सिंगल्स में बताओ, क्योंकि सिंगल्स के ही कहते हैं ना, डबल्स को तो पूछता ही नहीं कोई, में डबल्स ते आई फारग, डबल तो कोई भी खेल लेना है ना, तो सिंगल्स ते ही दस दो फिर। देखो जी, मैं मेरी नजर में मेरा फेवरेट प्लेयर जो है ना वो मुराद है सिंगल्स में, तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से पिछले 3 सालों से चैंपियन, 5 सालों से नेशनल चैंपियन, मतलब 5 दफा बन गया, और पिछले 4 इवेंट से मुसलसल रैंकिंग चैंपियन, कोई वजह है ना? माशाल्लाह देखो मैं तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरा फेवरेट प्लेयर सिंगल्स में मुराद है। और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सिंगल्स में, बेंच में? यार, सिंगल्स में मेरा तो था लेकिन अब नहीं कौन? रहा। अच्छा छोड़ दो। लेकिन यार सिंगल्स में मेरा जो फेवरेट प्लेयर मतलब प्लेयर था, अब मतलब जो है था नहीं आप, फिर अब करंट की टाइम बात हो रही है, था नहीं, पास को छोड़ दो, प्रेजेंट की नहीं है बात। यार, अब नहीं है कोई। नहीं देखो, नहीं का तो जवाब ही नहीं ना पैदा होता। पाकिस्तान में अभी जो अच्छा टॉप 8 है उनमें से एक नाम है लो। यार, हाफिज इरफान को मैं कहूंगा टेक्निकली, अगर वो फिजिकली हो जाए फिर तो वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है वो तो, क्या कहते हो। सही बात है, हाफिज भाई बहुत अच्छे, बस उनकी देखो नी जी उन्होंने रिकवर किया फिर फाइनल्स के वही लेकिन। एक इंस्पिरेशन है यार, मतलब दोनों दफा ACL और दोबारा वापिस आना, तो बड़ा वो मुश्किल मेरे लिए फेवरेट तो है। और डबल्स, बस डबल्स में तो चलो आप आहुति, और डबल्स का तो स्कोप ही नहीं, उसका तो फिर पूछने का फायदा ही नहीं डबल्स का स्कोप है, इन्होंने नहीं बनाया होगा ना स्कोप तो, डबल्स का भी बहुत है, ये भी 2 अस लगा दें डबल्स का है। स्कोप। वही मैं कह रहा हूँ ना, डबल्स का तो है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो फिर डबल्स का क्यों पूछना। अच्छा वर्ल्ड में बता दो थोड़ा सा, वर्ल्ड में डबल्स और सिंगल्स। यार मुझे तो वर्ल्ड में अभी जो डबल्स का पेयर मुझे पसंद आ रहा है ना, वो इंडियन पेयर है रैंकी शेट्टी जो, कौन? इंडियन पेयर जो है रैंकी शेट्टी वगैरह में, डबल्स में मुझे उनका पेयर अच्छा, पसंद है, चिराग और और सिंगल्स। सिंगल्स में मुझे लक्ष्य सेन स्टेम मुझे पसंद है। इस टाइम सही सही आप ये समझ लो जूनियर बेस पे कि वो ऊपर आ रहा है, वैसे अगर आप ओवरऑल बात करो लेजेंड की तो फिर मुझे वो विक्टर की गेम पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है सही सही। चलो मतलब। यार, और कोई बात अगर आप करना चाहते हो, कोई अच्छी बात अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को करना चाहते हो, तो यार मैं ये तो आईएंड पे नहीं। छोटा सा 20-25 सेकंड का मशवरा देना चाहूंगा जूनियर्स को भी हाँ सीनियर्स को भी, कि अगर आप ये समझते हो कि बैडमिंटन में कामयाब होने के लिए सिर्फ मेहनत जरूरी है, सिर्फ मेहनत, तो वो आपकी बड़ी बेवकूफी है। ठीक है देखो पाकिस्तान में इतने प्लेयर्स हैं, जब रैंकिंग चैंपियनशिप होती है ना तो सिंगल्स का चैंपियन एक ही होता है, डबल्स का चैंपियन एक ही होता है, मेहनत सारे करते हैं, लाहौर के प्लेयर्स, सियालकोट के प्लेयर्स, हाफिजाबाद के प्लेयर्स, पिशावर के प्लेयर्स, चैंपियन एक बनता है, उसकी रीजन ये है
अब आपको जी कि मेहनत तो सारों ने की, चैंपियन एक क्यों बने, चैंपियन सारे क्यों नहीं बने, उसकी रीजन ये होती है कि मेहनत के साथ साथ ना और भी चीजें बड़ी इंप्रूव होती है। सबसे पहले आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, हर किसी के लिए आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने बड़ों का एहतराम और अपने छोटों का एहतराम करना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी दुआ लेनी चाहिए, उनसे नाराज नहीं होना चाहिए। ये चीजें सारी मिला के ना फिर अल्लाह पाक उसको इज्जत देते हैं। तो सिर्फ मेहनत ना करी जाओ, बाकियों को भी खुश रखो, बाकी अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने फैंस को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को। उसके बाद छोटों से इज्जत से बात कर, देखो छोटों की इज्जत करोगे तो फिर आप छोटे भी आपकी इज्जत करेंगे। ये नहीं होता कि बड़ा प्लेयर कह दी बस छोटा ही मेरी इज्जत करे, मैं उसकी इज्जत ना करूँ। अगर वो छोटा है तो वो बड़े की इज्जत करे, अगर वो बड़ा है तो वो छोटे की इज्जत करे। बात छोटा से मेरा प्रोग्राम ये आप पैगाम आप सबको यही है, जूनियर्स को खास तौर पर ये है कि सिर्फ मैं से मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे व्हाट्सएप पे कि अगर भाई हमने चैंपियन बनना है, हम मेहनत करते हैं, हम आ जाते हैं, क्या रीजन है, हम ऊपर क्यों नहीं आ रहे। तो मैं उनको ये कहता हूँ, बस पहले तो अपनी नीयत देखो, आपकी नीयत साफ है। ये इंसान को पता होता है कि उसकी नीयत अगले के बारे में कैसी है। नीयत देखो, माँ बाप की इज्जत करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगी। और जूनियर्स में कौन प्लेयर देख रहे हो आप जो नेक्स्ट आ सकता है? यार पाकिस्तान में जूनियर्स में काफी प्लेयर्स अच्छे हैं, जिसमें खारिज नान अच्छा है, पिशावर का वो तैयब शफीक अच्छा है, लाहौर का। उसके बाद जूनियर, आप भी जूनियर ही हो, आप अच्छे हो, डबल्स के डबल्स जूनियर भाई, में ज्यादा अच्छे हो। उसके बाद फिर डबल डबल जूनियर्स दी गल ना कर यार, मैं कह रहा हूं डबल जूनियर नहीं, में डबल खत्म कर दो, आप खारिज नान है, तैयब शफीक है, उमर सिंगल्स की बात करो किदिकी। बस। हाँ, सिंगल्स का ही आप बता रहा हूँ, ध्यान सिंगल्स में आ रहा है। तारिक रान है एक, तैयब शफीक दो है, उसके बाद उमर खान के पीके का तीन, शुएब रियाज भी अच्छा है, अगर थोड़ा सा और ऊपर आ जाओगे उनसे तो मुकीद भी अच्छा है, लारोस भी अच्छा है। ये प्लेयर्स अच्छे हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि अगर ये मेहनत करेंगे, गेम्स मिले तो ये पाकिस्तान का नाम काफी देर तक रोशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बाकी यार ये है कि एक ये भी बात पूछनी चाहिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि एक यंग प्लेयर आपके साथ इस दफा फाइनल खेला? हाँ ये पेयर क्या होना चाहिए, चलो ये पता पूछ इसका लेते हैं, चलो मतलब क्या था, डबल इसका का तो कोई डबल के बाद डबल्स का इंसान तो कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ आपसे कैसा ने। यार एक्सपीरियंस रहा। मैंने ये लोगों को बताओ जरा जो देख रहे हैं कि यंग प्लेयर बनाया किसने, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि लोगों को पता चले गुजर और यासर का प्लेयर किसने बनवाया। ये भी इनको थोड़ा सा ना बता देना, वीडियो के बाद मुझे अल्लाह हाफिज करोगे ना, फिर इनको थोड़ा अभी मैं बताता हूँ। ले जी, ये पाकिस्तान का ये मेरे साथ भाई बैठे हुआ यासर नाम है, बड़ा अच्छा है ये, माशाल्लाह पिछले दो इवेंट्स में खेल रहे हैं और एक जूनियर प्लेयर लेके खेल रहे हैं। यार हम ये तीन इवेंट खेले हैं, तीन इवेंट खेले हैं, एक खेले थे हम, मैं और अबू सर, गली बैडमिंटन ओपन। उसका नाम गली बैडमिंटन इसलिए था कि वो गली में उन्होंने नेट लगाया हुआ था और नीचे मिट्टी थी, तो असि उथे भी जीत के आए सी, एक हिसाब की दिहाड़ी लान गए थे सी, ते उथे जीत गए सी असि, ते उथों ही साडा प्लेयर उथों ही पक्का होया सी, असि कहा यार असि गली दे चैंपियन बन सकने हैं, ते चलो इथे भी देख लैंने। तो ये माशाल्लाह दो इवेंट्स के लिए, एक में ये बड़ा अच्छा इन्होंने अपसेट किया वैसे है, तो लारूस को नेशनल चैंपियन थे वो, और वैसे तो दो दफा नेशनल चैंपियन थे, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर था। किसी ने इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको जीतेंगे, ये जरूर कहा था कि मैच 50-50 होगा, लेकिन माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा उनके लिए, सारा मैच ही उनसे जीते। और उसके बाद इन पर काफी तनकीद हुई इस प्लेयर पे, कि ये इनका उदू लगा है, ये तुक्का लगा है, फलां लगा है। उसके बाद इन्होंने मसल खुद क्रॉस किया, ये सेमीफाइनल द्वारा जीते उनको, अजीम भाई और मुराद एक पाकिस्तान नंबर 3 है करंट, उनको जीते थे फाइनल, जिनका हमारे से आया था। तो अब ये इनका एक्सपीरियंस मुझे पूछना चाहिए कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था हमारे से खेल के, ना कि हमारा एक्सपीरियंस इनके खिलाफ। तो ये अब पहले सेट में इन्होंने फाइट की अच्छी, 15-16 तक बराबर गए हैं, उसके बाद ये हमसे आ रहे हैं। सेकंड सेट फिर ये मेरे ख्याल से का जो जज्बा था वो डाउन हो गया थोड़ा। तो पता ना, ये यंग खून होता है ना, जो नए उभरते हुए खून होते हैं, वो जब उस पर जरब लगते ना फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये पहला यार सेट हमसे वो आया था ना, ये है इसमें कि जरब लगी थी तो आप आए। पहली दफा जिंदगी में खेल रहे थे तो वो बड़ा डिफरेंस हाँ, होता है यार, फिर मतलब वो आप उस तरह चलो का फिर मैच सेमीफाइनल प्रेशर दो तीन हैंडल दफा करना। खेले हो, हमने सेहत के साथ सेमीफाइनल खेले हो, जैन के साथ एक आधा खेले हो, जो अब्दुल जब था उसका तो पहला फाइनल था, मतलब इस तरह का टूर्नामेंट, इस तरह का मैच, इस तरह का एटमोसफेयर उसके लिए पहला था, उसपे ज्यादा प्रेशर था। और मैं समझता लेकिन हूँ यार कि उसके बड़ी कारण मेरे आप मैं अपने बात हैं। बताऊं ना, जिस हिसाब से मैंने मतलब ट्रेनिंग वगैरह की थी तो अल्लाह ताला ने यार मतलब
थोड़ी ट्रेनिंग और ज्यादा अल्लाह ताला ने फल दे दिया। मैं तो इज्जत दे मैं दी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ यार अल्लाह का। मेरी। हाँ मेरी नजरों में ना आप दोनों में से अबू सर ने ज्यादा अगर किए थे। मैंने मैच देखा भी अभी और फ्यूचर पे लाइव लगा हुआ अभी भी शायद पढ़ा हो। अबू सर एरर कर रहा था बहुत ज्यादा नेट से, हालांकि आप तो अटैकर उसको क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन वो आगे से ब्लॉकिंग नहीं कर रहा था, ब्लॉकिंग की बजाय वो पुशिंग कर रहा था जो कि आपको डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट हो रही थी। तो उसको समझाओ थोड़ा, उसको साथ लेके चलो, उसको ट्रेनिंग वगैरह उसके साथ करो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी यंग प्लेयर जो आपके डबल्स के वो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान में, करता रहेगा इंशाल्लाह। किसी सीनियर से ना पेयर बनाऊं। यार ये ना जिंदगी में मौके आते हैं, देखो आप हर बंदा ना अपने फायदे के लिए खेलता है। अगर उसको एक ऐसा मौका मिल रहा है, ये मैं सबके सामने लाइव कह रहा हूँ, अगर उसको ऐसा मौका मिल रहा है, उसको लगता है कि मुझे पेयर चेंज करना चाहिए, मुझे इसमें फायदा है, तो पेयर चेंज करे अपने। मैं तीन लड़कों के साथ मैं खेला हूँ, वैस के साथ मैं खेला, आशीष लहरी के साथ मैं खेला, और आमिर सैद के साथ भी मैं खेला। तो मुझे जब मतलब मुझे लगा है कि मुझे पेयर चेंज करना चाहिए था, मैंने किया। इसमें ऐसी नाराजगी वाली है, इसमें ऐसी बात है। अगर आपके पास ऐसा लाइफ में मौका आता है, आपको लगता है कि यार मुझे पेयर चेंज करना चाहिए, मेरे पास बेटर ऑप्शन है, तो आप मूव ऑन करो। यही ऑप्शन उसके पास नहीं है, अबूजर के पास, उसको लगता है आपसे कोई बेटर ऑप्शन उसके पास है तो वो मूव ऑन करे। इसमें ऐसी वैसी बात कोई नहीं होती। मुझे देखिए, मुझे अगर आपने डबल्स का, मैं ऐसे नहीं पूछा, सिंगल्स का आपने फेवरेट प्लेयर पूछा, डबल्स का पूछते हैं तो मैं अपने भाई का नाम लेता, तो मैं मूव ऑन अब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है हाँ पहला राउंड हारे, हम सेकंड राउंड हारे, मुझे पता है पाकिस्तान में उससे अच्छी डबल्स इस टाइम करंट टाइम पाकिस्तान में उससे अच्छी डबल्स कोई नहीं खेलता, तो मैं तो मूव ऑन नहीं कर सकता। मैं उसके उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है बेटर, समझ रहे ना। तो मैं तो बाकी को मशवरा दूंगा कि अगर उनका कोई आइडल या उनका जिस तरह आप अबूजर से अगर कोई पूछो या आपसे पूछ लो, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरा आइडल डबल्स में इस टाइम करंट फॉर एग्जाम्पल लारोश है, तो अगर आपका वो आइडल है तो अगर आपको वो ऑफर करे लारोश, आपको ऑफर करे, तो आपको मूव ऑन करना चाहिए, समझ रहे ना। तो इस तरह मैं तो मूव ऑन नहीं कर सकता, मेरे लिए तो बेटर ऑप्शन मैं जिसके साथ खेल रहा हूँ, मेरे लिए वही बेटर ऑप्शन है। नहीं आपको जो माशाल्लाह जो बेटर खेलना भी ऑप्शन मुझे उनके मिले साथ हैं ही आमिर चाहिए से खेला, तो आमिर से काफी प्लेयर था, आमिर अच्छी। के साथ भी। हाँ मैं कह रहा हूँ आपको माशाल्लाह वो आप तो डोमिनेट कर रहे हो तो आपको तो पेयर ही है आपका होना चाहिए। मतलब हाँ मेरे वो हिसाब से इस अपना टाइम पेयर जो है ना करंट पेयर्स में यार ओपनली मैं बात करूंगा आपका ही एक पेयर है मतलब आप दोनों भाइयों का। उसके अलावा मुझे तो नहीं कोई पेयर नजर आ रहा। यार पेयर पाकिस्तान में ना मसला बड़ा क्या है, हर बंदा पेयर बनाता है एक टूर्नामेंट बाद चेंज कर लेता है, हर बंदा पेयर बनाता है एक दो टूर्नामेंट बाद चेंज कर लेता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। वाइट पेयर अजीम भाई और आफिस भाई का था, जो यार देखो वो कितने पेयर दिनों सालों लेवल से, का था। हाँ कितने सालों से वो पेयर चल रहा था, लेकिन वो भी एक टाइम आया देखो टूट गया। पेयर टूटना नहीं चाहिए, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। देखो आपका यंग पेयर है, मैं तो मशवरा दूंगा अगर आप उसको लेके चलो, यंग प्लेयर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ एरर्स ठीक नहीं हो रहे या कुछ फॉल्ट है, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। बाकी पाकिस्तान में बात आपकी सही है, प्लेयर्स हर टूर्नामेंट में ड्रॉ चेंज हो जाते हैं। मुकीत पहले उसके साथ काशिफ के साथ खेला, फिर अंजुम के साथ खेला, फिर इस तरह अंजुम भाई जो है वो अतीक भाई के साथ खेले, फिर आप मुकीत के साथ खेले, फिर अतीक भाई आमिर भाई से खेले, फिर आप देखो जैन हाफिज से खेला, फिर हाफिज अजीम से, फिर अजीम मुराद से, हर पेयर पाकिस्तान में जितने भी पेयर है सब चेंज होते हैं। तो ये हमारे लिए मुश्किल होती है, जो कंसिस्टेंट पेयर होता है ना उसके लिए मुश्किल होती है, उसको नहीं समझ आती पेयर चेंज होने की। एक नया पेयर जब आपके साथ खेलता है ना, आपको उसके पॉइंट्स का नहीं पता चलता। तो ये इस दफा हमारा बहावलपुर में मैच मेरे ख्याल से फंसा था मुकीत और उसके अंजुम से, तो वो मसला इधर ये आ रहा था कि उन दोनों वो इकट्ठे खेल रहे थे ना आपस में, हमें नहीं समझ आ रही थी किसको खिलाना है, किसका वीक पॉइंट क्या है, इसको वो किस तरह एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो पहली ये दफा ही चीजें बड़ी खेल प्रॉब्लम। रहे थे हाँ तो ना। ये हमारे लिए ये मसला ये होता है कि हर बंदा चेंज कर लेता पेयर, हर टूर्नामेंट में हर पेयर चेंज होता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट रहो अपने पार्टनर के साथ, कमिटमेंट करो तीन चार टूर्नामेंट्स की तो करो कम से कम। तो अब मैं अल्लाह ना करे हम अगर एक राउंड पहला राउंड हार दें दूसरा राउंड हार दें, तो हम पेयर तो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम हार गए हम पेयर चेंज कर ले, ऐसे नहीं होता, डाउनफॉल लेकिन इंसान पे हारते आता हुए नजर नहीं ना आ रहे हैं। हारते कैसे है। नजर आ रहे हो भाई वो पेयर ही नहीं है मैं शुक्र बता रहा हूँ अल्लाह का, पेयर। अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, शुक्र अल्लाह का तीन टूर्नामेंट्स खेले, तीनों जीते हैं, और तीन तीन टूर्नामेंट्स में शुक्र अल्लाह का हमारा सिर्फ अभी तक एक थ्री सेट, वो भी हमारा थ्री सेट हुआ था तीक भाई और आमिर से डीएचए वाले नेशनल में। माशाल्लाह तीक भाई ने वक्त की सर्विसें गुजारे थी, चार पांच वो होश ही नहीं आई, वो थ्री सेट मारा हुआ था। ये साहब है पाकिस्तान बक्की से निकाल गुजरी दी थी यहाँ से, तीन चार इकट्ठी शुरू 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 हुई थी। थी। चलो यार अब मुझे लगता है कि खत्म करना चाहिए।
अगर कोई बात अगर रह जाती है तो मुझे बता दो, वो भी कर लेते हैं। तो बात की क्या बातें सारी होगी। क्योंकि ये ऐसा इंटरव्यू है, ये सारी जिंदगी मतलब रहेगा इंशाल्लाह, यूट्यूब पे भी रहेगा, फेसबुक पे रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले बस वक्त ये में भी। शेयर करो जी, जितने प्लेस देख रहे रिक्वेस्ट है सारे फील करें, जहां तक पहुंचा सकते हैं अपना आप, जहां तक आप रोल अपना अदा कर सकते हैं आप करें, जहां तक हम कर सकेंगे हम लाजमी करेंगे, जो वीडियो देखता है वो काइंडली शेयर कर दो। बाकी ये है कि यार सारे, मेरा तो यही कहना है कि सारे प्लेयरों को एक होना पड़ेगा, अगर होना पड़ेगा, यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनिटी है तो मतलब पावर है, तो यूनिटी अगर एक हो जाएंगे ना सारे प्लेयर्स को, एक हो के एक दूसरे का साथ देना चाहिए, मतलब हर एक को मतलब बूस्ट करना चाहिए, मतलब अगर बाहर भी गए ना तो ये हो के हम मतलब घर में जो भी आपस में आप लोग मतलब आपस में राइवल है, लेकिन बाहर आपको एक होना चाहिए। सही बात है, सही। उम्मीद तो फिर है यार, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्लेयर्स इकट्ठे होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कर सकते हैं, और दुआ दो इवेंट्स आ रहे हैं तो हम तो यही दुआ करते हैं कि यार मतलब हमारे पाकिस्तान की सिंगल्स मतलब इंटरनेशनल सीरीज आ रही है, चैलेंज आ रहा है, यही सिंगल जीते हैं और यही डबल जीते हैं, जीते डबल जीते हैं, ऐसी दिल से मजा। ही दुआ क्योंकि करते क्योंकि हैं इंशाल्लाह। रैंकिंग नेशनल खेल खेल के तो वो वैसे ही वही टॉप प्लेयर डोमिनेट कर रहे हैं, मजा आए कि यही प्लेयर्स जो है ना वो वहां भी डोमिनेट करें, तो हमारी सही बात दुआ है आपकी, कि अब यार आप इंशाल्लाह बड़े मजे की जो है इंटरनेशनल सीरीज होगी, बड़े डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियन के प्लेयर्स आ रहे हैं, श्रीलंकन आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी आ उम्मीद रही है। है, हाँ, सारे सारे इंटरनेशनल चैलेंज में ज्यादा कंट्रीज आ रहे चैलेंज हैं। बड़ा होता है। हाँ इंटरनेशनल सीरीज में कम आ रहे हैं, लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है, और कैश प्राइज माशाल्लाह इस दफा काफी अच्छा है। सही सही यार, एक चीज ये भी कहनी थी, अगर किसी ने रैकेट वगैरह मतलब बड़े काफी मैसेज आते हैं कि यार हमें बताएं कोई जगह जहां से रैकेट जो है ना हमें अच्छा ब्रांड का रैकेट मिल जाए, मतलब वो भी थोड़ा यार सा वो गाइड ना कर दो डिफरेंट यार। रेंज पे, या सर यार डिफरेंट रेंज पे डिपेंड करता है। मैं आप कंपो यूज कर रहा हूँ, शायद मैं शर्ट भी कंपो की पहन रही हूँ, मुझे मैं स्पॉन्सर है कुछ रिफ्लेक्स प्रो का आ तो। रहा हूँ भाई, हाँ तो ये ये अगर, तो वो प्लेयर पे डिपेंड करता है, वो अगर अफोर्ड कर सकता है 10,000, 9,000, 8,000 तक, तो वो मैं तो उसको प्रेफर कंपो का रैकेट करूंगा। अगर वो कम रेंज में 4,000, 3,000, तो वो उसमें कॉपी मास्टर, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक दुकान बड़ी मशहूर है, वो गुजरांवाला में शफीक अंकल है, वो कॉपी हर चीज की बेचते हैं। तो अगर आपने मिड रेंज में लेना है 3,000, 3,500, 4,000 की रेंज में, आप उनसे लें। अगर आपने अच्छा रैकेट लेना है, ओरिजिनल लेना है, आपको शौक है रैकेट्स का, आपको, आप चाहते हो कि आपका स्ट्रोक वगैरह अच्छा लगे, गट अच्छी हुई हो, तो फिर आप कंपो भी यूज करें, लाजमी यूज करें, मैं खुद यूज करूँ। तो डिपेंड करता है आप कितने आप अफोर्ड कर सकते हो पैसे। चले यार, जो भी हमारे देख रहे हैं तो बाकी है कि इसको शेयर करें और जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि यार चले बिल्कुल किसी कोई देख के मतलब इस पे कोई अमल ही कर ले। ठीक है, तो बाकी यार बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने टाइम निकाला। आपका थैंक यू जी, आपने माशाल्लाह टाइम निकाला, और अब आपने ये सोचा है, ये बड़ी अच्छी चीज आपने सोची है। इस तरह ही आप मेरे अलावा भी, मैं आपको मशवरा दूंगा, आप दो तीन प्लेयर्स को और करें, ताकि लोगों को पैगाम जाए, डिफरेंट ओपिनियंस लोगों को मिले, तो बेहतर होगा चले ठीक पाकिस्तान के बैडमिंटन के है, लिए। फिर इंशाल्लाह फिर होगी बात और इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल थैंक यू, रखें। अल्लाह हाफिज़।